मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त डीडवाना में हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर संवाद कार्यक्रम सीएम ने युवाओं के साथ और खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर किया। 2030 मिशन को लेकर सीएम आज डीडवाना में संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप यहाँ कुछ लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। डीडवाना की तस्वीरें हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त डीडवाना में और कुछ यहां पर लोगों से संवाद करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं और क्या जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल डीडवाना में मौजूद है और हेलीपैड पर सीएम अशोक गहलोत कुछ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और स्थानीय विधायक चेतन डूडी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर के लिए रवाना होंगे और कल सीएम अशोक गहलोत सीकर जाएंगे, परसों झुंझुनू और बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। तो मिशन 2030 को लेकर सीएम गहलोत के तूफानी और ताबड़तोड़ दौरे यहां पर जारी है। फिलहाल यहां जो एक हेलीपैड है वहां पर सीएम अशोक गहलोत है, वो मौजूद है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, अजमेर संभागीय आयुक्त और अजमेर पुलिस रेंज IG है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और सीएम अशोक गहलोत को स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि किस तरह उनकी जो समस्याएं हैं वो इनकी पूरी करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश, अगर सीएम के संवाद कार्यक्रम की बात करें, मिशन 2030 को लेकर मुख्यमंत्री एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं और अब ये जो सिलसिला है ये इसी तरीके से जारी रहेगा, किस तरीके का ये मंथन नजर आता है दिनेश और क्या निकल कर आता है? जी देखिए, मिशन 2030 को लेकर अब सीएम अशोक गहलोत पूरे राजस्थान की चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं। पहले फेज के तहत वो 30 सितंबर तक दौरा करेंगे, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक लेंगे, 1 और 2 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक उनकी जो मिशन 2030 की यात्रा का दूसरा पड़ाव है नंदीगी, वो शुरू होंगे। सीएम अशोक गहलोत का इस मिशन के पीछे मकसद है पूरे देश भर में राजस्थान को नंबर 1 पर लाना और हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन हो, एनर्जी हो, हेल्थ हो, शिक्षा के सेक्टर में 10 गुना चहुंमुखी उन्नति और प्रगति के पथ पर राजस्थान को ले जाए, क्योंकि एक नया चुनावी यूनिक आइडिया ये तलाश किया है, क्योंकि जनता घोषणा पत्र और भाषणबाजी से तंग आ चुकी है, जो उपलब्धियां है सरकार ने काम किया उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे में एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं अब तक इस मिशन को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन है वो सुझाव दे चुके हैं और अब सीएम अशोक गहलोत आप देख सकते हो ये हेलीकॉप्टर है उनकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जो जयपुर है वहाँ के लिए उड़ान भरेंगे। उड़ने से पहले तमाम लोगों का हाथ मिलाकर सीएम अशोक गहलोत ने अभिवादन यहाँ पर किया है और सीएम अशोक गहलोत आप तस्वीरों में देख सकते हो हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो जयपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 40 मिनट बाद सीएम अशोक गहलोत राजधानी है जयपुर पहुंच जाएंगे और कल सीएम अशोक गहलोत सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के तहत सीएम अशोक गहलोत है वो देव दर्शन यात्रा भी कर रहे हैं, यानी धार्मिक स्थलों पर भी जा रहे हैं। कल उन्होंने खाटू श्याम जी और सालासर मंदिर से आगाज किया था और कल सीएम जो सांवलिया जी धार्मिक आस्था का केंद्र है वहां पर जाएंगे, वहां पर उनके दर्शनों का प्रोग्राम। जी बिल्कुल, तो यहाँ संवाद का कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री एक के बाद एक जिलों का रुख कर रहे हैं। अगर बात करें तो लगातार चुनावों का जिक्र सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं और विजन 2030 की लगातार बातचीत संवाद कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं से और प्रदेश के अलग अलग वर्गों से। अब यहाँ से सीएम अशोक गहलोत रवाना होने को हैं, उनका हेलीकॉप्टर बिल्कुल उड़ान भरने को है और कल फिर से जो अलग अलग जिलों के दौरे हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज मुख्यमंत्री कोटपुतली के दौरे पर भी रहे और उसके बाद डीडवाना के दौरे पर रहे। डीडवाना में संवाद कार्यक्रम सीएम अशोक गहलोत ने किया। तो मिशन 2030 को लेकर लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। फ्यूचर राजस्थान का किस तरीके का हो, किस तरीके का विकास मॉडल हो, इसे लेकर राय मशवरा प्रदेश की जनता के साथ सीएम अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि चुनावी साल है, बात इस चुनावी साल की भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा सीएम गहलोत इन दिनों मिशन 2030 का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में सीएम डीडवाना पहुंचे थे और एक बार फिर से कल से अलग अलग जिलों का जो दौरा है मुख्यमंत्री का वो जारी रहेगा। झुंझुनू के दौरे पर भी सीएम रहेंगे।
तो इससे पहले भी महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखा गया था कि अलग अलग प्रदेश के जो ज़िले हैं उनका दौरा सीएम अशोक गहलोत ने किया था, और एक बार फिर से ये जो सिलसिला है अलग अलग प्रदेशों के दौरे का वो फिर से शुरू हो चुका है। और एक तरफ चुनावी सुगबुगाहट राजस्थान में तेज है, टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है, किसी भी वक्त चाहे कांग्रेस बीजेपी इन तमाम पार्टियों की बात करें टिकटों की सूची जारी हो सकती है। वहीं अपने अपने स्तर पर नेता चुनावों से पहले जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे बात करें सीएम अशोक गहलोत की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपनी योजनाओं को लेकर विजन 2030 को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और इसके अलावा सभी पार्टियां अपने अपने तर्ज पर जो तैयारी है चुनावों की वो लगातार तेज करती हुई नजर आ रही है। तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री डीडवाना में आज पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया, और इसके साथ ही अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आए। यहां पर जब सीएम अब संबोधन करते हैं तो वो मुद्दे सुनाई देते हैं जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के चुनावी मुद्दे हैं, ईआरसीपी का जिक्र करते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से प्रदेश में 500 रुपये में सिलेंडर मिला उसका जिक्र करते हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं कि वहां पर सरकार क्यों 500 रुपये में सिलेंडर नहीं दे रही। तो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो लगातार जारी है। बीजेपी अपने स्तर पर सरकार को घेरने की कवायद लगातार कर रही है और बीजेपी में भी मंथन लगातार तेज है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रदेश भर के दौरे लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं।